हवामान विभाग द्वारा आगामी 5 दिवस राज्य में सार्वत्रिक वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। हवामान विभाग द्वारा 3 दिवस अति भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी छे, जेमां मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात अने साथे सौराष्ट्र में वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। भारे वरसाद साथे 30 थी 40 किलोमीटर की झड़पे पवन फूंकाय तेवी संभावना हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे। भारे वरसाद ने कारणे माछीमारों ने दरियो न खेड़वा सूचना आपवामां आवी छे। अमदावाद शहर में पण भारे वरसाद पड़शे तेवी आगाही कराई छे। अगले 5 दिन में गुजरात में, पूरे गुजरात स्टेट में अच्छी खासी बारिश रहने का संभावना है। इन मोस्ट प्लेसेस में भी बारिश हो सकती है और भारी अति से भारी से अति भारी बारिश भी कहीं कहीं भाग जगह में हो सकता है। और जैसे मोस्टली जो भारी से अति भारी बारिश रहेगा साउथ गुजरात रीजन में और इवन सेंट्रल गुजरात में भी होने का संभावना है और सौराष्ट्र में, कोस्टल सौराष्ट्र में भी हो सकती है। अगर देखा जाए आज देखा जाए तो भारी बारिश हो सकता है, जैसे सूरत, भरूच, सूरत, नर्मदा, भारी अति भारी बारिश हो सकता है सूरत, भरूच, और भारी बारिश नर्मदा, तापी, छोटा उदयपुर, इवन बड़ौदा में भी हो सकता है। और नॉर्थ गुजरात में भी एक जगह में जैसे साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाणा, इवन गांधीनगर में भी लांબા વિરામ બાદ વરસાદ પડતા ખેડૂતો તેમજ સ્થાનિક લોકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો। તાપી જિલ્લામાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તાર જેમ કે વાલોડ, સોનગઢ, વ્યારા, નિઝર, કુકરમુંડા જેવા વિસ્તારમાં વરસાદ પડ્યો હતો। બપોર પછી અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા બાદ વરસાદ પડવાની શરૂઆત થઈ હતી।